हेलो गाइस, स्वागत है सत्ता वॉरियर नामक के गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एकदम धमाकेदार गेम प्ले वीडियो इसके साथ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ गाइस अपने उड़न तस्वीर में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्टेडियम। सिर्फ कहने का स्टेडियम है स्कूल, तो हम लोग जाएंगे और हम लोग उड़न तस्वीर से छलांग मार लिए हैं और अपनी महंगी वाली पैराशूट के साथ हम लोग नीचे उतर रहे हैं गाइस। तो उतरते ही हमें मिली है इस केस और इस केस से ही आपको मिलने वाली है आगे की सभी गेम प्ले। आगे की सभी गेम प्ले नहीं, पूरी गेम प्ले इस वीडियो में आपको इस केस से मिलेगी। और यहाँ पे गाइस देखिए, एक आपको दिखेगी सस्ती स्नाइपिंग जिससे आपके कहाँ कहाँ से खून निकलेगा मैं नहीं जानता। तो इसे देखने से पहले चश्मे ज़रूर लगा ले काले काले, क्योंकि काले काले चश्मे लगाने के बाद आपको हो सकता है नहीं दिखेगा। और लॉकडाउन के समय में ऐसे ही वेलापंती करते करते एक बोट को हमने फोड़ा और इस 100 लेवल आई की बोट को देखे कैसे फोड़ते हैं हम लोग गाइज। तो गाइज ई बोट पीछे A few moments later. 2000 years later. 1 eternity later. आखिरकार ये बंदा बाहर निकल ही गया और इसे एक पट से हेडशॉट पड़ी और इसके बाद ये गया अपने ससुराल। तो यहाँ के बाद हम लोग बीलापंती करते करते स्टेडियम के छत्ता पे गए। छत्ता से फिर थोड़ा बहुत स्कोप खोल के झांके घर के अंदर, बट कोई दिखा नहीं। हम फिर भागते गए क्योंकि भागना हमारा काम है, क्योंकि हमारे पीछे 100 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। तो भागते भागते यहाँ पर हमें एक बोट या क्या कहे कुछ मिला, प्राणी एक मिला जिसे हमने एकेएम से नॉक किया से और इसके बाद गाइस एक और बंदा मिला जिसका नाम आप सुन के भौचक्के रह जाएंगे, कुछ अल्कोहलिक। गाइस हमें एक नशीड़ी मिला जिसे हमने ठोक दिया। गाइस आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन के समय से पबजी लाइट खेल रहे हैं और नाम भी अजीबोगरीब कुछ अल्कोहलिक लिख रहे हैं। तो यहाँ के बाद गाइस हम लोग आ गए हैं ये गवर्नमेंट डी रॉप। तो गाइस हम लोग गवर्नमेंट रोप पे आ चुके हैं। तो आते ही गाइस हमें बंदा मिला। तो गाड़े मैंने इस बंदे पे बग्गी चढ़ाने की कोशिश की पर ग्लिच की वजह से गाइस ये मरा नहीं। फिर से मैंने कैसे तैसे गाड़ी घुमा के मारने की कोशिश की और मेरी आप ढीठ पंथी को देख सकते हैं। जिस बंदे को मैंने मारा उसे मारने से पहले 9 बंदों को मैंने मार रहा, क्योंकि गाइस मुझे अंदर किल की भूख बचपन से। तो गाइस हम लोग इस बंदे को मार उड़ के लूटपाट के जैसे ही जाने की कोशिश कर रहे थे उस गवर्नमेंट ड्रॉप में, तो हमें गाइस 2 बंदे मिले जो एक दूसरे में से लड़ रहे थे। गाइस तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को नोक कर दिया था, तो मैंने वो बंदा बाहर निकला था। मैंने सोचा कि जिसने उसे नोक किया उसे डरा के किल चोरी कर ले। गाइस गाइस को पता है कि मेरी ढीठ पंती का आपको अंदाज़ा नहीं है। गाइस मैं कैसे भी करके किल लेने चाहता हूँ, क्योंकि गाइस चिकन डिनर मिले ना मिले, खाने पीने को मिले ना मिले, पर किल मिल जाए। तो इस बोट को भी मारते मुड़ते हम लोग इसकी पर लूट पाट के इसका किरेट लूट उठ के जाते हैं गाइस बग्गी से उस डराए हुए बंदे के पास गाइस, क्योंकि उस बंदे को भी मारना ज़रूरी है गाइस। तो गाइस इसका हिम्मत देखे गाइस, मैं गेट सारी कोशिश कर था बट इसने गेट बंद कर दिया, पर मैंने इस किस्से से फोड़ ही दिया गाइज। तो गाइज यहाँ पे मेरे 100 किल हो चुके हैं बट गिलीच की वजह से सिर्फ 10 किल दिखाए जा रहा है। पता नहीं क्यों कब पबजी वाले अपने गिलीच को ठीक करेंगे गाइज। तो यहाँ पे गाइज फिर से हम लोग जा चुके हैं किल की भूख में और इस बंदे को मैंने M249 की लगभग 5000 गोलियाँ मारी, तब भी मरने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइज। और एक इस की गोली से इसका माथा फूट गया गाइस। तो गाइस इसके बाद हम पहले नॉक बंदे को मारेंगे। गाइस को फिजी का किल कभी छूटे नहीं चाहिए गाइस। तो यहाँ पे गाइस मैं आराम से इस नॉक बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नज़र गई उस बंदे पे गाइस।
तो इसके माथे पे कतई 5000 गोलियां के मारने के बाद भी नहीं मरा। तो गाइस मेरा भरोसा M249 से उठ चुका था, क्योंकि गाइस मैंने करोड़ों गोलियां मारी पर वो बंदा नहीं मरा। तब भी M249 से गया और मारा, और इस बॉट को भी मैंने मार दिया। भाई बॉट पे अत्याचार मुझे पसंद नहीं है, तब भी क्या करे गाइस, मारना जरूरी रहता है। फ्री की केड़ी कैसे बढ़ेगी हम लोगों की गाइस। तो गाइस इसके बाद हम बग्गी से आराम से जा रहे थे गाइस, तभी एक बंदा दिखा। तो गाइस वही सस्ती थी स्प्रे M249 की, और SKS की भी गोलियां उससे न लगी। तो इस बंदे को गाइस फिर से मैंने 5000 गोली मारियां, तब भी ये बंदा नहीं मरा, और मेरा अब M249 से विश्वास उठ चुका था गाइस। वो अलग बात था, अभी जो बंदा मर गया पता नहीं कैसे मरा, पर वो बंदा क्यों नहीं मरा, क्योंकि हर एक गोली उसके शरीर में जा रही थी, तब भी गाइस वो नहीं मरा। तो मेरा गाइस भरोसा उठ चुका था M249 से, और मैं M416 की तलाश में घूम रहा था गाइस, बट M416 तो कहीं मिली नहीं, तो M249 से ही गाइस मुझे चलाना पड़ा। तो यहाँ पे गाइस मैं आराम से जा रहा हूँ, घर के अंदर घुस रहा हूँ आराम से, क्या करे गाइस कुछ कर नहीं सकते, आराम से थोड़ा सा घूम रहे हैं, क्योंकि बंदा वंदा मुझको लग रहा था आसपास है। तो यहाँ पे वो बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। तो गाइस खेल की भूख में मैंने उसे हेडशॉट पे हेडशॉट मारे, टपा टप टपा टप मारा, और गाइस कतई जहर तरीके से मार दिया उसे। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना टीममेट को बोला कि तुम भागो इधर से, पहले हमको लूटने दो, हमें फ्लेयर मिलेगी। तो हमें गाइस फ्लेयर मिल गई, पर फ्लेयर की एमओ साले ने यूज की थी या ली नहीं थी मैं नहीं जानता, मुझको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ था गाइस। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा रेडबुल वुडबुल पी के हम M249 रिलोड करके थोड़ा सा यहीं घूम रहे थे, कहाँ पे बंदे ऊपर नीचे जाए मौके मिल गए, क्योंकि सारी गाड़ियाँ फूटी हुई थी गाइस, पता नहीं इतनी गाड़ियाँ फूटी हुई थी। तभी मैंने देखा हमारे रामू सिंह तो नोक हो गए, और प्ले जोन की वजह से नोक हुए हैं गाइस। अब पता नहीं उनका क्या है, क्या नशे चल रहे थे कि प्ले जोन से बाहर ही नहीं निकले, प्ले जोन हाँ जोन से बाहर नहीं निकले कहते, तो ज़्यादा ही इंग्लिश बोलने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा था, प्ले जोन बोलने की मेरे क्षमता आई पता नहीं कहाँ से। तो गाइस यहाँ तो मैं अपना जा रहा था जोन के अंदर अपने टीममेट को छोड़ के, कि आखिरी किल भाई साहब मैं ही लूँगा। पर गाइस देखिए वो किल उसने मिल लिया, और इसी खुशी में कि मुझे मिला मैं पानी में गिर गया गाइस। और गाइस मुझे यहाँ पे गिलिच मिली है, एक और पबजी मोबाइल लाइट की गिलिच की, मैं पानी के अंदर बग्गी चला रहा हूँ, बैठ सकता हूँ, चला नहीं सकता पर बैठ सकता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये गिलिच पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो शेयर करें गाइस। तो बाय।